हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज हम इनके बालों में करेंगे ब्राइडल हेयर स्टाइल। एक्चुअली मैं मेरी स्टूडेंट को सिखा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो ये है मेरी स्टूडेंट और इन्हीं के बालों में आज हम करेंगे ब्राइडल हेयर स्टाइल। तो देख लीजिए, मैंने ईयर टू ईयर पार्टिंग करी है। किसी भी ब्राइडल हेयर स्टाइल के लिए हमें ईयर टू ईयर पार्टिंग करनी होती है मोस्टली। और पीछे के सारे बालों को हमने पोनीटेल कर दिया है और फ्रंट में जितने भी बाल हमने लिए ना, उसके थोड़े थोड़े ऐसे सेक्शन निकाल के हम इस तरीके से छोटे छोटे कर्ल्स करेंगे। और ये है मेरे पास वेगा की चॉपस्टिक, इससे बहुत अच्छे कर्ल्स होते हैं। और आजकल ये वाला जो हेयर स्टाइल है ना, बहुत ज़्यादा इन है। फ्रंट से जो मैसी वाला लुक आता है ना, ये बहुत ज़्यादा इन है। तो क्या करेंगे, छोटे छोटे सेक्शन लेके और सारे बालों को ये चॉपस्टिक की हेल्प से ना मैसे कर्ल्स कर देंगे। इससे बहुत छोटे छोटे कर्ल्स बनते हैं। आप चाहे तो टोंग मशीन से भी बालों को कर्ल्स कर सकते हैं, बट इससे बहुत पतले वाले कर्ल्स आते हैं, है ना। और सारे बालों को हम इसी तरीके से कर देंगे, फ्रंट के जितने भी बाल हैं। और यहाँ पर हमने एक चीज़ छोड़ दी, आप इस चीज़ को मिस मत करना। अगर बाल हल्के हैं ना, आप जिसके बाल में भी करेंगे, उनके बाल अगर हल्के हैं तो आप सबसे पहले क्या करना, उनके बालों में हल्की सी क्रिम्पिंग कर देना, देन उसके बाद ही ये वाला हेयर स्टाइल करना। हमने बिना क्रिम्पिंग के ये हेयर स्टाइल किया तो इतना ज़्यादा बाउंस नहीं आया था इनके बालों में, जो कि आप देखेंगे बाद में। बट ये हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मैंने बहुत रफली सिखाया था। एक्चुअली मेरा मेन जो था ना, मेरी स्टूडेंट को सिखाना, वो मेकअप था। बट फिर भी हमने सोचा कि चलो हेयर स्टाइल भी फटाफट कर देते हैं रिकॉर्ड, है ना। वरना हेयर स्टाइल पर मेरा इतना फोकस नहीं था, बट फिर भी मैंने सोचा क्यों ना इसको रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सारे बालों को हमने कर दिया है इस तरीके से कर्ल्स। और अभी मैं क्या करूँगी ना, फिंगर से ही इसको हमें जस्ट रफली ओपन करना है। और आप चाहे तो इस पर कॉम कर सकते हैं, बट कॉम से नहीं, ज़्यादा खुल जाएंगे। रफली फिंगर से ही हम इसको इस तरीके से, इसके जो कर्ल्स है, इसको ओपन करेंगे और सारे बालों को पीछे ले जाकर हम इसको हल्का सा लाइट सा पफ देंगे, बिल्कुल लाइट सा। और फिर यहाँ पे हम कर देंगे पिनअप और फ्रंट से फ्लिक्स निकाल देंगे, छोटे से जो बाल हैं वो निकाल देंगे और यहाँ पे हम पिनअप कर देंगे। पिनअप बहुत अच्छे से करना है कि कहीं से भी बाल लूज ना हो, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। ये करने के बाद फिर हम और करेंगे मांग टीका सेट। और मांग टीको जब भी आप हेयर स्टाइल करें, मेक श्योर वो जो टीका है ना, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और इसको देखो सेट कैसे करना है, पिन ली है हमने, ठीक है, और उसको लॉक कर रहे हैं, मतलब उस धागे को ना उस पिन के दोनों तरफ अलबेटा दे रहे हैं, जिससे कि आपका जो टीका है ना बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, कहीं से इधर से उधर निकलेगा नहीं। और बाल जितने भी पीछे बचे ना, उसको हम रफली ऐसे जोड़ा कर देंगे। और क्योंकि जो दुल्हन का जोड़ा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पीछे जो जो फ्लावर्स है वो ही लगने होते हैं, गजरा लगना होता है, तो कुछ भी नहीं दिखता, सब बिल्कुल ढक जाता है, इसलिए रफली एक जोड़ा बना लिया। और ये है मेरे पास ब्राइडल बन, जो कि मैंने दिल्ली सदर मार्केट से लिया था और इसका प्राइस मुझे वहाँ पर पड़ा 350 रुपीज़ का। और ये लगाने के बाद ना, सीरियसली कह रही हूँ, एकदम रियल जैसा लगता है, बिल्कुल रियल। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वहाँ पे इसमें काफ़ी सारे कलर थे, लाइट पिंक और काफ़ी सारे कलर में थे, मल्टी कलर में भी था, तो मुझे ये वाला पसंद आया तो मैंने वहाँ से लिया है। इसके पीछे नेट होती है, उस नेट को ना ऐसे धागा पकड़ के खींचेंगे तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है, जुड़े में टाइट हो जाता है, लाइक इस तरीके से खींचना होता है। तो ये टाइट हो गया, बट फिर भी हमें इसे पिनअप करना होगा। जो जुड़ा पिन है ना, उसकी हेल्प से हम इसको फिक्स कर देंगे, सिक्योर कर देंगे। और ये देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना, बिल्कुल रियल जैसा। तो आप भी इस तरीके से ले सकते हैं और इसको ना दुल्हन में भी ट्राई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं मैं सिखाने में लगा रही हूँ, कोई दुल्हन भी ना ऐसे अपने बालों में लगा सकती है, अरे ख़राब भी नहीं होगा, कई बार हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो देख लीजिए गाइस, ये कुछ इस तरीके से लगेगा। और आप चाहे तो इसके जो साइड में जो गैप लग रहा है ना आपको, यहाँ पे आप ना कोई भी गजरा वगैरह ले सकते हैं या फिर जिप्सी फ्लावर से आप उसको कवर कर सकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे खाली खाली सा लग रहा है, फिर लगेगा ही लगेगा, है ना। और यहाँ पर हमने कर दिया है अभी हेयर स्प्रे से हमने बालों को कर दिए हैं सेट। तो ये है मेरी ब्राइडल। और आप बताइएगा इनका मेकअप कैसा हुआ। इनके मेकअप की वीडियो में मैं इसके बाद अपलोड करने वाली हूँ, देखिएगा ज़रूर। बहुत अच्छे प्रोडक्ट के साथ हमने इनका ब्राइडल मेकअप किया था। और अभी हम इनके सर पे रखेंगे दुपट्टा। तो दुपट्टा ज़्यादातर दुल्हन यही रखती है या फिर जूड़े पर ही टक करा लेती है। तो जूड़ा पिन से बहुत अच्छे से आपको दुपट्टा सेट करके देना है
जब भी आप ब्राइडल को तैयार करें तो आज हमने इन्हीं को मॉडल बनाया था। और आप बताइएगा कि आप ना किस कैसा मेकअप लुक आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं ब्राइडल मेकअप में भी, और कौन कौन से मेकअप देखना चाहते हैं। ये हमने इनके ऊपर न्यूड मेकअप लुक किया था जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो दुपट्टा जो होता है ना ब्राइडल का बहुत ज़्यादा हैवी होता है, जब सर के ऊपर रखे ना तो ऐसा लगता है जैसे पीछे की तरफ ना दुल्हन का सर खींच रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा वेट लगता है। तो उस वेट को कम करने के लिए क्या करेंगे, पीछे से दुपट्टे की 4-5 प्लीट्स बना के ना उसको लूज करके फिर हमें उस जो ब्लाउज है उसे टक करना होता है, जिससे कि दुल्हन को वेट कम लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा यहाँ पर हम करेंगे सेकेंड जो है हेयर स्टाइल, एक्चुअली वो वाला हमने हटा दिया था, मीन्स उसको ओपन कर दिया था, फिर मैं रफली ही बता रही थी कि इसको अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप ऐसे चेंज करके ये वाला भी कर सकते हैं। तो रफली जस्ट मैंने बताया था, हमने उसमें से आधे बालों को पीछे सेट कर दिया और थोड़े से हमने सेंटर पार्टिंग निकाली है, उसको मैं हल्का सा बैकऑन करूँगी और यहाँ से फ्लिक्स निकालेंगे बहुत छोटी सी, और यहाँ पर हम इसको ट्विस्ट ट्विस्ट करते जाएंगे। और ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा हर कोई इसको जानता है, ठीक है। ऐसे थोड़े थोड़े बालों को लेके हमें ट्विस्ट करना है और उसको थोड़ा सा खोल देना है, बस। ये हेयर स्टाइल भी बहुत ज़्यादा इन है अभी फ़िलहाल में, क्योंकि आजकल ना कोई भी नहीं चाहता वो पफ बनाए या फिर कुछ ऐसा वैसा हेयर स्टाइल बनाए, बहुत सिंपल सा डिसेंट। आजकल दुल्हन एक बहुत डिसेंट सा हेयर स्टाइल चाहती है, बिल्कुल फ्लैट सा लुक हो, है ना। तो ये देख लीजिए बहुत सिंपल सा हमने यहाँ पर ऐसे क्रिएट किया है। और ये स्टाइल जब ज़्यादा अच्छा लगता है जब शीश फूल हो, शीश पट्टी हो, है ना, बीच में मांग टीका और शीश पट्टी हो, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको भी हम कर देंगे ऐसे लॉक, जिससे कि हमारा मांग टीका कहीं से टच से मस नहीं होगा। और ये है फाइनल रिजल्ट, आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा और वीडियो आपको पसंद आई कि नहीं आई, और आप कैसा हेयर स्टाइल देखना चाहते हो वो भी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना। और इसके बाद मैं शेयर करूँगी हमने एक दुपट्टा ड्रिपिंग कैसे करी थी, मैंने 3-4 लुक उसमें बताए हैं, तो वो वीडियो भी आप प्लीज़ लाइक करिएगा, देखिएगा ज़रूर, और इस मेकअप की वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो लुक पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर क्या करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और इसके बाद ना हमने इनके लिप कलर को चेंज कर दिया था, इनके काफ़ी सारे हमने फोटोज़ लिए थे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।